टारगेट एनटीपीसी का ये आज चौथा वीडियो है जिसमें कि हम लोग 45 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है? प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। वहीं द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज जो है वह भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। किसे अंध महासागर कहा जाता है? अंध महासागर के नाम से जाना जाता है अंटार्कटिका महासागर को अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश सऊदी अरब है। वहीं तेल निर्यातक देशों के एक समूह है जिसका नाम है ओपेक। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसमें टोटल मेंबर देशों की संख्या जो है वह 14 है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वह वियना ऑस्ट्रिया में जो है वह इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखते हैं, बुशमैन जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर स्थित है? बुशमैन जनजाति जो है वह कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, और कालाहारी मरुस्थल जो है वह बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट, सार्क देशों में सबसे घना देश कौन है? अर्थात सबसे घना देश कहने का मतलब यानी कि कम जगह में ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वह देश है बांग्लादेश। सार्क देश में टोटल मेंबर देशों के देश हैं वे 7 मेंबर देश हैं, और सार्क का मुख्यालय जो है वह काठमांडू नेपाल में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माओरी कहाँ का मूल निवासी है? माओरी न्यूजीलैंड का मूल निवासी है। कहवा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? कहवा उत्पादन में अग्रणी देश जो है वह ब्राजील है, और ब्राजील की राजधानी जो है वह ब्राजीलिया है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश वही देश होगा जो सबसे पूर्व में होगा, तो सबसे पूर्व में जो है वह जापान है, इसलिए जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। सार्गेसो सागर किस महाद्वीप में स्थित है? सार्गेसो सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। सार्गेसो का अर्थ जो होता है वह घास तैरता है। सार्गेसो महासागर वह महासागर है जिसपे कि घास जो है वह तैरता है, तो ये जो है वह अटलांटिक महासागर में स्थित है। कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी, सबसे पहले आप जानें कि कांगो नदी अफ्रीका में बहने वाली एक नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। वहीं एक अफ्रीका में नदी है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है वह मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है? तो वह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश है। इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो जकार्ता है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वह चीनी है। चीनी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, जिसे कि मंदारिन भी कहा जाता है। एक चीज़ और आपको बता दें कि विश्व में सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश भी जो है वह चीन है। चीन में चीनी बोली जाती है मंदारी, तो सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश जो है वह चीन है। देखते हैं नेक्स्ट, विश्व में जूट के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? विश्व के जूट उत्पादन में अग्रणी देश भारत है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य जो है वह गंगा डेल्टा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वह जूट का उत्पादन होता है। अर्थात भारत जो है वह जूट तथा दूध में जो है वह सबसे आगे है, और 75% जूट जो है वह भारत में ही उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिसे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो वह एक ही देश है, वह है अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
काला पर्वत कहाँ पर स्थित है? काला पर्वत भूटान में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ को आप अच्छे से समझे। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो मूंगा चट्टानों का जो क्षेत्र है उसी को ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? मध्य रात्रि के सूर्य का देश जो है वह नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, जहाँ पे मध्य रात्रि में जो है वह सूर्य होता है, तो इसलिए इसे मध्य रात्रि में सूर्य का देश कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है वह मासिन राम में होती है। मासिन राम जो है वह असम है, असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, श्वेत महासागर के नाम से किसे जाना जाता है? श्वेत महासागर के नाम से अंटार्कटिका को जाना जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखें कि अंटार्कटिका जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसे ही श्वेत महासागर के नाम से जाना जाता है। और अटलांटिक जो है वह उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि ऊपर है, और अंटार्कटिका नीचे है, तो श्वेत महाद्वीप के नाम से अंटार्कटिका को जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? यूरोप का गर्म कंबल जो है वह गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहा जाता है। ये एक गर्म जलधारा है जिसे कि यूरोप का कंबल कहा जाता है। वहीं लैब्राडोर की जलधारा है, यह उत्तरी अमेरिका में बहने वाली ठंडी जलधारा है। तो एक चीज़, और ये गल्फ स्ट्रीम जो है वह भी उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म जलधारा है, और लैब्राडोर जो है वह एक ठंडी जलधारा है जो कि उत्तरी अमेरिका से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कागज़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कागज़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इसके चारों ओर जो है वह ज्वालामुखी है, और हवाई द्वीप भी जो है वह सबसे बड़े ज्वालामुखी के लिए जो है वह प्रसिद्ध है। इसमें बहुत सारे ज्वालामुखी हैं और ये अमेरिका के अंडर में आता है, अमेरिका के अधीन यह हवाई द्वीप स्थित है। विश्व प्रसिद्ध घड़ियाँ कहाँ पर बनाई जाती है? विश्व प्रसिद्ध घड़ियाँ, सबसे ज़्यादा बनाया जाने वाला घड़ी वो है स्विट्जरलैंड में, सबसे अधिक घड़ी जो है वह बनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का नामक स्थान किस देश में है? मक्का नामक स्थान सऊदी अरब में है, जहाँ पे मुस्लिम लोग जो हैं वह हज के लिए जाते हैं, तो यह सऊदी अरब में है। ब्राज़ील में कहवा बाग को किस नाम से जाना जाता है? ब्राज़ील में कहवा बाग को फैजेंडा के नाम से जाना जाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या और आकार में सबसे बड़ा महाद्वीप होने के कारण इसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। वहीं प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है। एक बार फिर से बता दें, प्रायद्वीपों का महाद्वीप जो है वह यूरोप को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में मानचित्र का सर्वप्रथम किसने बनाया था? विश्व में सबसे पहले मानचित्र जो है वह अनेक जी मेंडर के द्वारा जो है वह सबसे पहले मानचित्र बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान प्रेयरी कहलाता है। वहीं दक्षिणी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान जो है वह पंपास कहलाता है। पंपास में वृक्ष रहित मैदान से कहते हैं वृक्ष रहित, और अर्जेंटीना का हृदय, अर्जेंटीना का हार्ट जो है वह पंपास को कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग जो है वह उत्तरी अटलांटिका जलमार्ग है, यह सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है? जल डमरू मध्य क्या होता है? जो दो क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करता है वह है डेविस जल डमरू मध्य।
एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह गोबी है। गोबी जो है वह आपको मंगोलिया में है, मंगोलिया की राजधानी उलान बातोर है, और यह एक ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल है जो कि ठंडा मरुस्थल है और मंगोलिया में स्थित है। अमेरिका का ड्रेडाइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अमेरिका का ड्रेडाइट उद्योग जो कार उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मकर रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है? मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी जो है वह लिम्पोपो है। वहीं अगर विषुवत रेखा को बात करें तो विषुवत रेखा को काटने वाली कांगो नदी है। ये दोनों नदियाँ जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में बहती हैं। एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? एशिया का सबसे गर्म स्थल जो है वह जैकोकाबाद जो है जो कि पाकिस्तान में है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना जाना जाता है। सवाना वह क्षेत्र है जहाँ जो कि घास रहित क्षेत्र है। यह अफ्रीका में घास का मैदान है। अल्पस पर्वत कहाँ पर स्थित है? अल्पस पर्वत जो है वह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूरोप महाद्वीप वह महाद्वीप है जो कि सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप को नाम से जाना जाता है। पेट्रोनेट टावर कहाँ पर स्थित है? पेट्रोनेस टावर जो है वह कोलामपुर मलेशिया में स्थित है। यह दो जुड़वा मीनारों का एक टावर है, शिखर है, तो ये जो है वो कोलामपुर मलेशिया में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट। पेरिस किस नदी के तट पे स्थित है? तो पेरिस जो है वह सीन नदी के तट पे स्थित है। वहीं टेम्स नदी के तट पर लंदन शहर जो है वह स्थित है। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? पूर्व के मोती से श्रीलंका को जाना जाता है। नॉर्मैंडी बीच कहाँ पर स्थित है? नॉर्मैंडी बीच जो है वह श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इटली की गंगा जो है वह पो नदी को कहा जाता है। इटली जो है वह जैतून और अंगूर उत्पादन के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। अफ्रीका के ही घास का मैदान सवाना है जो कि एक घास रहित मैदान है। देखते हैं नेक्स्ट।